नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी बिहार की ताज़ा खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेडिकल फैसिलिटी में बिहार फेल, 3 अक्टूबर को डॉक्टरों से बात करेंगे तेजस्वी यादव। केंद्र सरकार के शीर्ष थिंक टैंक नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलने के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए ये कहा है कि बिहार के 40 में से 39 लोकसभा सांसद और डबल इंजन सरकार का बिहार को अद्भुत फायदा मिल रहा है। तेजस्वी यादव अब महंगी दवा, कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए मची आपाधापी, ब्लैक में कई गुना महंगे बिकती दवाई और इंजेक्शन, बिना पीपीई किट N95 मास्क के कोरोना संकट में काम करने को मजबूर डॉक्टर समेत तमाम मुद्दों को लेकर आगामी 3 अक्टूबर को डॉक्टरों से बातचीत करने वाले हैं। आरजेडी का कहना है कि कोरोना हो या चमकी बुखार, अस्पताल कर्मी, नर्स और जूनियर डॉक्टर प्रदर्शन करते नजर आए। विडंबना है कि यह उस राज्य की कहानी है जहां की सरकार लगातार 16 सालों से सुशासन का राग अलाप रही है। राजद की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर कहा गया है कि बिहार की स्वास्थ्य विभाग की समस्याएं हजार है, उससे जुड़े कर्मियों, डॉक्टरों और टेक्नीशियनों की समस्याएं हजारों हैं। यह सभी समस्याएं आम नागरिकों को सीधे प्रभावित करती हैं। इसीलिए किसी भी संवेदनशील राजनेता या राजनीतिक दल के लिए अत्यावश्यक यह है कि स्वास्थ्य विभाग की हर कमी, नाकामी डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों की हर समस्याओं को समझे, उसकी तह तक जाए। बिहार में भारी अफवाह, जितिया व्रत के बाद सभी बेटों को खाना है पार्ले जी बिस्किट, वरना हो जाएगी बड़ी अनहोनी। बिहार में कोई भी अफवाह बड़ी तेजी से फैलती है। नमक का स्टॉक खत्म होने की अफवाह हो या फिर मुंह नोचवा या चोटी कटवा की अफवाह, एक समय ये सारे अफवाह बिहार में जंगल में लगी आग की तरह तेजी से फैले हैं। ऐसे ही एक ताजा मामला पार्ले जी बिस्किट और जितिया पर्व से जुड़ा सामने आया है। बिहार में महिलाएं संतान की दीर्घ आरोग्य और सुखमयी जीवन के लिए इस दिन जितिया व्रत रखती हैं। बताया जा रहा है कि बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक अफवाह फैली है, जिनके घर में महिलाएं जितिया की हुई है, अगर उनके घर में जितने सारे बेटे हैं अगर उन्होंने पार्ले जी की बिस्किट नहीं खाई तो उनके साथ बड़ी अनहोनी हो सकती है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते पूरा जिला इस अफवाह का जैसे शिकार हो गया है और दुकानों के बाहर बस लंबी लंबी लाइनें लग गई। हालत ये हुई कि दुकानों पर पार्ले जी बिस्किट का स्टॉक तक खत्म हो गया। यह अफवाह सीतामढ़ी से निकलकर अब बैरगनिया, ढेंग, नानपुर, डुमरा, बाजपट्टी समेत कई इलाकों में फैल गई। बिहार में पहली बार नीति आयोग की तर्ज पर जिलों की होगी रैंकिंग, 17 मानकों पर देखा जाएगा प्रदर्शन। बिहार के हर जिले में विकास हो इसके लिए अब नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। नीतीश सरकार बिहार में नीति आयोग की तर्ज पर जिलों का रैंकिंग करने की तैयारी में है। साल 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब बिहार में जिलों की रैंकिंग की जाएगी। सतत विकास लक्ष्य के लिए निर्धारित 17 प्रमुख मानकों पर जिलों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। सभी मानकों पर जिलों की क्या उपलब्धि है इस पर उसकी रैंकिंग होगी। मकसद राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मानकों पर बिहार की उपलब्धियों की और बेहतर करने को है। जिलों की रैंकिंग को लेकर योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मीर सुभानी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। जिलाधिकारियों को कहा गया है कि लक्ष्य को लेकर जिला इंडेक्स फ्रेमवर्क तैयार कराएं, हर मानक में जिले की क्या उपलब्धि है इसकी समीक्षा करें। जिलों को लिखे पत्र में विभाग ने कहा है कि नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य की मॉनिटरिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानक तैयार किया है, जिसके आधार पर तुलनात्मक उपलब्धियों की समीक्षा की जाती है और राज्यों की रैंकिंग होती है। इसी आधार पर जिलों की रैंकिंग भी की जाएगी। बिहार में जल्द लागू होंगे चकबंदी के नए नियम, जमीन विवाद पर लगेगा लगाम। बिहार में खेतिहर जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए सरकार बड़ी पहल करने वाली है। अब राज्य में जल्द ही चकबंदी के जरिए किसानों को अलग अलग जगहों की खेती की जमीन एक जगह की जाएगी। इसके लिए IIT रुड़की से आई टीम ने भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है। चकबंदी के जरिए एक तरफ जहाँ किसानों को काफी फायदा होगा तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी विवाद
को भी काफी कमी आएगी। बता दें कि जमीन विवाद को जड़ से खत्म करने के लिए बिहार सरकार भूमि सर्वेक्षण का काम करवा रही है और बहुत जल्द चकबंदी कर उन किसानों को एक जगह जमीन का भूखंड उपलब्ध करवा देगी जिनकी जमीन अलग अलग जगह पर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय के मुताबिक जमीन सर्वे का काम IIT रुड़की की 5 सदस्य टीम से कराया गया है। इस काम को लगभग पूरा कर लिया गया है। आने वाले दिनों में चकबंदी कर किसानों को जमीन मुहैया करा दी जाएगी। बिहार के रेस्टोरेंट्स में मांस मछली की बिक्री पर रोक, 2 दिन नहीं मिलेगा नॉनवेज। अगर आप मांस मछली खाने के शौकीन हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बिहार में अक्टूबर महीने में 2 दिन मांस मछली की बिक्री पर रोक लगा दी है। केवल मांस मछली की दुकानों में ही नहीं, बल्कि इन 2 दिन होटल और रेस्टोरेंट में भी मांस मछली की बिक्री पर रोक रहेगी। बिहार सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को निरामिष दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय सरकार ओर से लिया गया है। इसे देखते हुए 2 अक्टूबर को संपूर्ण जिला क्षेत्र में मांस मछली की बिक्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा 4 अक्टूबर को पशु दिवस होने की वजह से इस दिन बाजारों, होटल और रेस्टोरेंट में मांस मछली नहीं बिकेगी। पटना में गुलाबी ठंड, 24 घंटे में पारा 9 डिग्री गिरा। अगले 2 दिन बिहार में येलो अलर्ट। सितंबर महीने के आखिरी दिन और अक्टूबर शुरुआत में ही पटना के लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो गया है। दरअसल चक्रवाती तूफान गुलाब की वजह से मौसम में जो बदलाव आया है, उसके कारण पटना के लोगों को ठंड का एहसास समय से पहले ही होने लगा है। पिछले 24 घंटे में पटना का पारा 9 डिग्री नीचे गया है और अभी इसमें गिरावट जारी रहने की उम्मीद है। मौसम में आए इस बदलाव की वजह से ज्यादातर घरों में AC और कूलर बंद रहे हैं। सुबह से ही 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। दिन भर हल्की बूंदाबूंदी होती रही और रात में भी बारिश हुई। बिहार में गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अब अनिवार्य, नहीं कराया तो मिलेगा नोटिस। देश में गाड़ियों की इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य कर दिया गया है। भले ही आपकी गाड़ी घर में खड़ी क्यों ना हो, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। मंत्रालय ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सहयोग से सभी राज्यों में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सुनिश्चित करने को लेकर फैसला किया है। महाराष्ट्र समेत देश के कुछ अन्य राज्यों में इसकी शुरुआत कर दी गई है। कुछ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी को जमीन पर उतारा जा रहा है। फिलहाल पहले चरण में सड़क पर चल रही गाड़ियों का ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जांचा जा रहा है। जब इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वैसी गाड़ियों जो सड़क पर नजर नहीं आ रही है, उनकी भी जाँच की जाएगी। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण केंद्र सरकार की एक एजेंसी है और यह सभी राज्यों के DTO को यह जानकारी देगा कि किस गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया गया है और किसका नहीं। अगर किसी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है तो इसके लिए गाड़ी मालिक को नोटिस भी भेजा जाएगा। बिहार में तेजी से फैल रहे डेंगू व चिकनगुनिया, प्राइवेट अस्पताल छुपा रहे मरीजों के आंकड़े। पटना जिले में तेजी से फैल रहे डेंगू व चिकनगुनिया के आंकड़ों पर सवाल खड़ा हो गया है। जिले में मिलने वाले मरीजों के आंकड़ों पर गौर करें तो सिर्फ PMCH में आने वाले सैंपल की जांच के बाद डेंगू के मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं। वहीं शहर के बाकी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अलावा प्राइवेट और जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अनुमंडलीय अस्पताल में कितने डेंगू के मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, इसकी जानकारी सिविल सर्जन कार्यालय को नहीं है। जानकारों की माने तो 2 साल पहले सितम्बर महीने में रोजाना 15 से 20 मरीज डेंगू के चिन्हित किए जाते थे। बताया जा रहा है कि शहर के प्राइवेट अस्पताल डेंगू और चिकनगुनिया के आंकड़ों को छुपा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के पास इसके लिए मजबूत सर्विलांस सिस्टम नहीं है। जबकि पटना में करीब 70% मरीज प्राइवेट अस्पताल में ही इलाज कराते हैं। बिहार के 8 जिलों में कल से शुरू होगा बालू खनन, उचित कीमत पर मिलेगा बालू। बिहार में NGT के निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बालू खनन बंद रहने के बाद अब शुक्रवार से 8 जिलों के बालू घाटों में फिर से बालू खनन शुरू हो जाएगा। इसमें नवादा, अरवल, बांका, बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज, वैशाली और बक्सर जिला शामिल है। हालांकि इन जिलों में बंदोबस्ती के समय सीमा 30 सितंबर तक के लिए ही थी, लेकिन सरकार ने पुराने बंदोबस्तधारियों को अगले 3 महीने तक बंदोबस्ती की समय सीमा बढ़ाने
लगाने का निर्णय लिया है। ऐसे में इन 8 जिलों में पुराने बंदोबस्तधारी ही बालू की खनन करेंगे, वहीं अन्य 8 जिले में बालू घाटों की बंदोबस्ती टेंडर के माध्यम से होगी। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। सूत्रों के अनुसार पिछले साल की समाप्ति के समय राज्य के 16 जिलों में बालू का खनन हो रहा था। 317 नदी घाटों की नई बंदोबस्ती प्रक्रिया न्यायालय में विचाराधीन रहने के कारण पुराने बंदोबस्तधारियों को ही राजस्व बढ़ाकर खनन की अवधि के विस्तार का निर्णय सरकार के स्तर पर हुआ है। 4 फुट से बड़ी मूर्ति नहीं, विसर्जन में सिर्फ 10 लोग ही रहेंगे शामिल। जिले में कहीं भी नहीं होगा रावण दहन। कोविड-19 संक्रमण के बचाव व सुरक्षा को देखते हुए आगामी दुर्गा पूजा, काली पूजा व चेहल्लुम त्योहार को लेकर डीएम अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक हुई। इसमें राज्य सरकार द्वारा पर्व त्योहार के अवसर पर दिए गए निर्देशों के बारे में बताया गया है। इस बैठक में डीएम ने कहा कि आने वाले समय में जिले में चेहल्लुम, दुर्गा पूजा, काली पूजा इत्यादि त्योहार है, इनके आयोजन के लिए सरकार द्वारा सीएमजी की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में हम सबों को पर्व त्योहार मनाना है। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में तथा संकीर्ण रास्ते पर मूर्ति की स्थापना करना कोविड संक्रमण को आमंत्रण देना है। साथ ही इन पर्व त्योहारों में अधिकतर लोग बाहर से आते हैं, जो कोरोना संक्रमण को फैलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। डीएम ने कहा कि मंदिर खुले हुए हैं, दुर्गा पूजा में मूर्ति की स्थापना के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि 4 फुट से अधिक बड़ी मूर्ति नहीं होगी। लाइसेंस में 20 व्यक्ति का नाम देना अनिवार्य होगा, जो व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होंगे। डीएम ने निर्देश दिया है कि मूर्ति के विसर्जन में 10 व्यक्ति से अधिक शामिल नहीं होंगे। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।